आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरी बबन ढेपे फ्रॉम आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। टुडे आई एम हेयर टेल अबाउट अशोक लेलैंड। तो आप सब जानते हैं कि अशोक लेलैंड एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका मेन प्लांट तमिलनाडु में है। तो हिस्ट्री ऑफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड फाउंडेड बाय रघुनंदन शरण इन 1948, जॉइंट विथ लेलैंड मोटर्स इंग्लैंड इन 1954, जॉइंट वेंचर विथ लैंड रोवर इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड इन 2007। हिंदुजा ग्रुप बॉट IVECO's indirect stake in Ashok Leyland. Vision of Ashok Leyland: achieving leadership in the medium or heavy duty segment of the domestic commercial vehicle market and significant presence in the world market through transport solutions that best anticipate customer needs with the highest value to cost ratio. Mission of Ashok Leyland: first, identifying with the customers; second, being the lowest cost manufacturer; third, global benchmarking of products, process and people. Ashok Leyland दूसरी सबसे बड़ी commercial vehicle company है और चौथी bus manufacturer company, 10th largest manufacturer company in the world. अशोक लेलैंड की स्थापना रघुनंदन शरण ने की थी। रघुनंदन शरण एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी के सहायता से अशोक मोटर्स की स्थापना की। उन्होंने अपने बेटे के नाम से अशोक मोटर्स का नाम रखा। फिर रघुनंदन शरण ऑस्टिन की कार को असेंबल और मैन्युफैक्चर करते थे। उन्होंने 1949 में ऑस्टिन A40 कार का इंडिजिनियस सिस्टम से निर्माण किया था। 1950 में अशोक मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी लेलैंड के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत अशोक मोटर्स का नाम अशोक लेलैंड रखा गया। नॉर्ड के तमिलनाडु मैन्युफैक्चरर प्लांट में फर्स्ट ट्रक कॉमेट 350 का निर्माण किया जिसे मैंगलोर के टाइल फैक्ट्री को बेचा गया। 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने सालानत 10,000 ट्रक्स के निर्माण के लिए कंपनी को लाइसेंस दिया। अशोक लेलैंड आज गवर्नमेंट बसेस भी बनाती है जिनमें से हर 5 में से एक बस अशोक लेलैंड की होती है। 1967 में अशोक लेलैंड पहली बार डबल डेकर बस का कंसेप्ट लेकर आई थी। उस समय यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका ऐसे कुछ ही देशों में डबल डेकर बस का कंसेप्ट था। अशोक लेलैंड इंडियन आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाने वाली मेन कंपनी है। अशोक लेलैंड ने इंडियन आर्मी के लिए 10,000 हिप्पो ट्रक्स का निर्माण किया था जो हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार थी। फिर कंपनी ने अपना दूसरा प्लांट होसर में 1980 में स्थापित किया। इस प्लांट में कंपनी मल्टी एक्सल बस और ट्रकों का निर्माण करने लगी। इसके बाद अशोक लेलैंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में भी उतर गए। फिर उन्होंने अपने शेयर स्टार्ट किए। सो शेयर्स ऑफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड 2001 में ₹2 में एक शेयर बेचती थी। फिर 2018 में उस शेयर की प्राइस 130 करी गई। मतलब कोई 2001 में अगर 50,000 इन्वेस्ट करता तो आज उसकी कीमत 30 लाख से भी ज़्यादा होती। LIC के पास अशोक लेलैंड के 4 करोड़ से भी ज़्यादा और गवर्नमेंट पेंशन फंड के पास 5 करोड़ से भी ज़्यादा फंड्स है। अब आप लोग की अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। फिर अशोक लेलैंड ने अमेरिकन व्हीकल मैन्युफैक्चरर जॉन डियर के साथ 2011 में एक एग्रीमेंट किया जिससे वो छोटे और बड़े वाहनों का प्रोडक्शन शुरू करने लगे। इसी सक्सेस की ओर बढ़ते हुए कंपनी ने नेपच्यून इंजन का डेवलपमेंट किया। इस इंजन की खासियत कुछ ऐसी थी कि ये बहुत ही फ्यूल इफिशियंट है और बैटरी पर भी चल सकती है। आज अशोक लेलैंड अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। उनमें से अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ऐसे कुछ देश शामिल हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।